कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू नो हेलो, ऑलमोस्ट प्यार हो रहा है डीजे मोहब्बत के साथ। तो सबसे पहले तो आप मेरे को बता दो, ये जेन जी के लिए जो लेके आए हो आप, और पूरा स्पेक्ट्रम, यू नो, यू ऑलवेज कवर दैट फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासेपुर टू ब्लैक फ्राइडे टू दिस, यू हैव कवर्ड एवरीथिंग। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, प्लीज इसकी जर्नी बताइए। ये इसकी जर्नी बहुत सिंपल सी है। वो जब आपके बच्चे होते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अब जब आपसे गुस्सा होते हैं, एक दिन ऐसे ही हो गया कि मेरी बेटी बहुत अपसेट थी, बोलती है आप नहीं समझते हो, मम्मी नहीं समझती मुझे, वो जोन में। एंड देन शी वॉन्टेड टू हैव अ चैट विद मी, ओके, एंड शी टॉक्ड, एंड धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों के लिए, जो हम लोग समझदार हो जाते हैं, हमें लगता है कि ना हम ये अभी हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ गया है, वो ये जो जनरेशन है उसके बाद पैदा हुई, इनको एक्सेप्ट करने चाहिए, ऐसी ही है, इनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, इन्हें अपने आप से समझौता नहीं करना पड़ता कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करने का। हम लोग रिप्रेस टाइम्स आए थे, हम लोग के भी मतलब पहले सोचना बड़ा मुश्किल होता था कि एक लड़का और लड़की साथ में बैठे, तो हमारे फिल्म का फेमस डायलॉग है, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, वो हमारे जमाने का है, ये जमाना बदल गया, दैट वर्ल्ड हैज चेंज्ड, लड़का लड़की दोस्त होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, तो वो जो वर्ल्ड है ना, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड एज यू सेड। लेकिन पहले होता था ना, घर वालों को बताना भी कि वो लड़की के संग क्या कर रहे थे, कहीं दिख भी गए तो वो जस्टिफाई करना पड़ा। आज के बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं अगर आप पूछो तुम क्या कर रहे थे उस लड़की का, तुमसे मतलब, इट्स नन ऑफ योर कंसर्न। वो जमाना बदल चुका है, राइट, यू नो, मैवरिक्स के साथ ऐसे ही होता है, मतलब देखो थोड़ा मनमुटाव हुआ, बेटी के साथ पिक्चर बन गई, हम लोग तो मतलब पता नहीं क्या करते हैं, डांट खाते हैं, कहां के कहां चले जाते हैं, यू नो, देयर्स दिस जेंटलमैन जिनके साथ आपने जब जब कोलैबोरेट किया है आग लगी है, बी इट डेव डी, मनमर्जियां, एंड नाउ दिस, बिकॉज जेन जी इज, यू नो, फ्लिपिंग ऑन दीज ट्यून्स, द म्यूजिक इज ऑलरेडी आउट, तो मैं चाहूंगा आप ही प्लीज उन्हें इन्वाइट करें, द वन द ओनली एंड माई नॉट जस्ट माई फ्रेंड एंड कोलैबोरेटर, ही ऑल्सो इज ऑलवेज बीन देयर, इज एक्सट्रीमली सपोर्टिव हियर, यू नो, कितना कितना कूल क्वेश्चन रहता है जब अनुराग कश्यप की फिल्म में म्यूजिक दे रहे होते हो आप। मैं पहली बार 2007 में मिला था सर से, और 15 साल हो गए, आज 16 साल हो गए प्रॉब्ली, राइट, 16 साल हो गए, तो और जो फीलिंग तब थी आज भी सेम है, प्यार उतना ही है। और वो 2007 में जब मिला था पहली बार उनको देवड़ी का म्यूजिक सुनाने के लिए, मुझे याद है मैं अंदर इतना कांप रहा था, वाज सो स्केर्ड टू, अभी तो स्पेस बार दबाना पड़ता है, बिकॉज यू डोंट हैव टू प्ले इट लाइव, क्योंकि सारा कुछ रिकॉर्डेड था, वो स्पेस बार दबाने को ही मुझे बहुत वक्त लगा, आई वाज लिटरली कांप रहा था मैं। एंड देन वो पहला गाना जब चलाया मैंने, दुनिया बड़ी गोल है, और उसके बाद से इट्स बीन अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल राइड सिंस देन टिल नाउ, एंड वी कोलैबोरेटेड बॉम्बे वेलवेट, मनमर्जिया, देव डी, बीच में भी लव शब्द चिकन खुराना, उड़ान, बहुत सारी, बहुत उल्टेरा, बहुत सारी फिल्में साथ में की, अब मतलब ड्रीम राइड है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ड्रीम राइड है फॉर एनी आर्टिस्ट, फॉर एनी ह्यूमन बींग टू हैव अ करियर इन अ राइड लाइक दिस, जहाँ पर आपको आपका मनचाह, आपका मनचाह काम करने मिल रहा है, भी खुली आज़ादी से, फुल फ्रीडम से, वो सिर्फ और सिर्फ वो सर के साथ ही हुआ है मेरा, 16 साल से चल रहा है और वो बस चलता रहे बस। I'm sure आगे भी चलता रहेगा, देव डी, यू नो, पाथ ब्रेकिंग म्यूजिक, और वो तुम तब मुझे याद है मैं रेडियो चैनल में था और वो गाने बड़े हिसाब से चलाते थे, वो मैंने एक गाना चला दिया था, बाद में बॉस ने मेरे को बहुत हड़काया था, फाइनली जब नेशनल अवार्ड मिला तो मैं उसके पास जाके बोला, मैंने कहा था ना यही गाना है जो किल करेगा, यू नो, हाउ वो अगर मैं आप दोनों की जोड़ी की बात करूं, व्हेन यू वर्किंग विद अनुराग कश्यप, तो वो थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ यार कूल डायरेक्टर है, कूल चीजें होने वाली हैं, या एज कंपेयर्ड टू अदर डायरेक्टर्स? सर के साथ मेरा एक्सपीरियंस डे वन से अलग ही रहा है, इट्स नेवर बीन विद एनी अदर डायरेक्टर, हमारा प्रोसेस आई थिंक एक बन गया है, बहुत फ्री फ्लोइंग सा बन गया है, कि ही जस्ट टेल्स मी अ ब्रीफ ऑफ व्हाट द फिल्म इज, and then he lets me be, मतलब 6 महीने के लिए, then he disappears from my life, and literally that's been happened in Devdi से लेके अब तक, वो 6 महीने में whatever I have gathered, जो भी information I have gathered from sir, उसको मल करके, उसको मतलब अपने दिमाग में रख के, I just do anything, honestly, I just do anything that I feel like, and it just, and he comes and he just sits, it beautifully sits. It's a free flowing process. It's an organic process of working. Yeah, organic and is the word. The organic process. Because हर आदमी अपना best ही करना चाहता है. अगर best नहीं करना चाहता तो आप उसको ले क्यों रहे हो? बिल्कुल.
और जहां तक बेस्ट करने की बात है, मैं भी वो बेस्ट कर लूं जिसके लिए मुझे बुलाया। बड़ा ऑर्गेनिक सा है सर, यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं, यू नो दे वुड वांट, ऑफ कोर्स दे वुड वांट यू टू सिंग अ कपल ऑफ लाइन सर, कोई भी जो फेवरेट। आई नो बड़ा ऑर्गेनिक सा है, मेरे को लेकिन करना पड़ेगा। अमित भाई, एक दो लाइन तो बनती है जो इस पूरे जुक बॉक्स में, जो कि ऑलरेडी सुपर डुपर हिट हो गया है, उसमें जो सबसे फेवरेट है। रिक्वेस्ट आ रही है, वाह कमाल है। गंगोर कनेक्शन। ऐसी है मेरी सिचुएशन, जो पीछे पीछे भागू तेरे मैं हरदम, इंटेंस बड़ा ही है यारा, ये तेरा मेरा तेरा गंगोर कनेक्शन। तूने रखी थी पहले कंडीशन, तुझे देखा 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 जागा इमोशन, सचमुच बड़ा सिक है यारा, ये तेरा मेरा तेरा गंगोर कनेक्शन, ओ कनेक्शन, हा कनेक्शन। ये जो ढली हो आप, ये किसको देख के ढली हो, कहां से आया, ये कैसे प्रेप किया इसके लिए? एक्चुअली सलोनी अम्मी अमृता का टिकटॉक पर्सनालिटी है, तो आई एम नॉट एक्चुअली टिंग टोंग पर्सनालिटी है, सॉरी अभी टिकटॉक नहीं है, टिंग टोंग पर्सनालिटी है। तो एक्चुअली जो डायलेक्ट और सब है सलोनी अम्मी का, मैंने अनुराग सर को बहुत बार पूछा, आई वाज लाइक अनुराग सर व्हाट प्रेप डू आई डू, हाउ डू आई प्रेप फॉर दिस, एंड ही वाज लाइक अमृता इज ऑल्सो नेचुरल, शी डजंट हैव दैट डायलेक्ट, डोंट स्ट्रेस अबाउट गेटिंग इट नेचुरल। आई वाज लाइक व्हेन पीपल सी इट दे'ल बी लाइक ये क्या है, बट आई थिंक यू नो जस्ट ट्रस्टिंग अनुराग सर एट एवरी, राहुल बाडवेलकर Yes. It's from Bhopal. And Saloni Ami is inspired by someone really. It's from yeah. Saloni. Right. Okay. Correct. Nazma. Nazmi. Napi. Yes. So yeah, it's a very interesting film. I think it challenged me on many levels as an actor. Right. Because we're playing multiple. Okay. Bas confirm karna tha. So we're playing two different, Karan and I both are playing two different characters. So totally there are four characters in the film, and then with Ammi I have a third character to play. Right. So it's been quite an experience. Yeah. And yeah. As Anurag sir was talking about our daughter-father relationship, yeah. Yahan pe, how was this relationship with these wonderful, wonderful people? Of course, Amit sir, music, and Anurag Kashyap, when he's directing you know, Ji. After Jawani Jaane Man, jahan pe ek achhi si daughter bane ho aap, uske baad abhi kuch din pehle, negative nahi bol sakta main, unko to grey shades wali, Ji. You know, aap bani thi Freddy mein, aur abhi yahan pe, so what do you have to say? About Anurag sir? Yes, of course. Anurag sir ke bare mein kya hi bolu? Tareef mat karna, thoda sa na kuch aisa de do jo chhap jaye har jagah. Arre, but I have nothing but tareef to say, honestly. Jab main Anurag sir se mili thi, wo actually maine is film ko Jawani Jaane Man se pehle hi sign kiya tha. This was supposed to be my first film. I think I signed this film what, 5 years ago na? 4 years ago? 2018. 5 years ago. तो उस टाइम पे मैं अपने टेस्टिंग फेज में थी, बहुत मीटिंग्स कर रही थी, बहुत ऑडिशंस दे रही थी, मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स मिल ही नहीं रहे थे, एंड एक पॉइंट पे वो डाउट आ जाता है ना कि एम आई केपेबल ऑफ बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, डू आई हैव व्हाट इट टेक्स, एंड आई रिमेंबर दैट टाइम आई मेट अनुराग सर, एंड ऑन एन इंस्टिंक्ट मैंने एक रील बनाई थी, एंड सीइंग दैट रील, 7-minute रील इट वॉज, वॉच इट विद फुल फोकस, और 7 मिनट के बाद ही लुक्ड एट मी, ही सेड आई हैव अ फिल्म दैट्स परफेक्ट फॉर यू, ही इज लाइक विल यू डू माय फिल्म, एंड दैट जस्ट गेव मी दिस इनक्रेडिबल सेंस ऑफ बिलीफ इन माय सेल्फ, दैट समवन दैट्स नोन फॉर स्काउटिंग आउट टैलेंट एंड नर्चरिंग टैलेंट हैज सीन समथिंग इन मी, आई वाज लाइक माय गॉड व्हाट इज दिस, आई एक्चुअली प्रिपेयर्ड टू सेंड हर बैक, या When I entered the room, he was like, I don't do films of your time. I said, teri film mein banata hu, you know, I don't have anything for you. And 7 minutes later. So, thank you. For all the confidence you gave me. Good bachcha. Amazing, amazing. Thank you so much for sharing all that. And this is cool AF. Let me tell you. Thank you. Hana, yeah, take this opportunity of saying that to you. You know, when it's your first movie and that too, jisko direct kiya ho, Anurag Kashyap saab ne likha bhi unhone ho. So, kitna zyada excitement ho jata hai? Bahut excitement hai, sir. Honestly, it's like a dream come true. Mere liye to kabhi socha nahi tha ki main Anurag sir ke saath picture karunga. बहुत सारी चीज़ें सोची थी बट ये नहीं कभी सोचा था. तो एक्चुअली मैं क्या हुआ कि मैं और मेरे दोस्त शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे साथ में, तो हमने बहुत सारी बनाई, कुछ तो हम दिखाना भी नहीं चाहते लोगों को उनमें से एक अच्छी बन गई थोड़ी और हमने यूट्यूब पे डाल दिया. okay.
तो इनकी बेटी है आलिया, उन्होंने वो पिक्चर देखी और इनको दिखाई, और मैं बाथरूम में था, ठीक है, बाथरूम में मुझे टेक्स्ट आया कि जो अनुराग सर है उन्होंने आपकी पिक्चर देखी है एंड ही वॉन्ट्स टू मीट यू. मैं बाथरूम छोड़ के सीधा भागा बाहर, क्योंकि हम कुछ और शूट कर रहे थे उस समय. सबको मैंने बोला अनुराग सर मिलना चाहते हैं और पिक्चर बनाना चाहते हैं. एंड नाउ आई थिंक वी आर हियर, ट्रेलर लॉन्च. लेकिन वो काफी साल समय लगा, 6-7 साल. सर क्या होता है, मतलब व्हाट इज इट दैट यू नो एवरीबॉडी वांट्स टू वर्क विद अनुराग कश्यप, व्हाट इज दैट वन थिंग? आज खुद की तारीफ आप करो प्लीज, बिकॉज़ यू आर टू मॉडेस्ट टू टॉक अबाउट इट, यू नो. सी आई थिंक पीपल गिव मी देयर बेस्ट, इट्स आई डोंट टेक द बेस्ट आउट ऑफ एनीवन, दे गिव मी देयर बेस्ट बिकॉज़ आई लेट देम बी देयर बेस्ट. राइट, सो मैं कुछ नहीं करता हूं. प्रॉब्लम क्या होता है कि सब लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं चीजों को, तो वो टैलेंट भी कंट्रोल कर लेते हैं, उसको उभरने नहीं देते. वैसा कुछ नहीं, मैं कोई जादू नहीं करता हूँ, कोई जादू नहीं करता, मैं सिर्फ लोगों को अपना बेस्ट देने देता हूँ. सो आई डोंट टेल एनीवन व्हाट टू डू. एंड बाकी नर्चरिंग, मतलब मेरा जो प्रोसेस होता है, बहुत मेरे दिमाग में किसी भी एक समय पे 5 या 6 फिल्मों की स्क्रिप्ट चल रही होती है, लिखी होती है, तो मेरे को पहले ये फिल्म बनानी थी, लेकिन इसके लिए सही कास्टिंग चाहिए. तो पहले ये मेरे को 2016 में ये मिला, 2018 में वो मिली. जब वो मिली तब मैंने कहा अब ये फिल्म बनेगी. तो उसके बाद फिर अमित के साथ हमने 2017 से म्यूजिक पे काम करना शुरू कर दिया, छोड़ दिया, ये स्पेस जो है जब इसके पास बाकी फिल्मों से समय हो तो ये मेरी फिल्म पे काम करें. right. तो इसलिए मैं इतना समय देता हूँ. और फिर इसके साथ भी मिला, इसको होमवर्क दिया, 2 साल इसने भी अपना होमवर्क किया, पार्कोर किया, 3 साल पार्कोर किया, सब कुछ सीखा इसने पिक्चर के लिए क्या क्या सीखना है. मैं खाली टाइम पे बोर हो रहा है, आजा मेरे सेट पे, असिस्ट भी कर लेता था. तो दैट्स हाउ आई वर्क विद अलाय ऑल्सो, आई गिव देम एंड लेट देम बी. और ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है अलाय के साथ. ऐसा जब इनकी जवानी जाने मनाई थी, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूसिंग टाइप्स, काम मिल रहा है काम करो. तो वैसा होता था. और उस स्पेस में ये लोग अपने आप ही निखरते, हर कोई अपने आप अच्छा ही करना चाहता है. आई ऑलवेज बिलीव दैट पीपल वांट टू डू देयर बेस्ट. मैं बता दूं सर, इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ना ये जो इंटरेक्शन है, दिस इज ऑल्सो वेरी ऑर्गेनिक, कि वो लग रहा है कि हाँ ठीक है, छोड़ा है, जो है वो सबके सामने आना चाहिए. एंड दैट्स वाई योर मूवीज आर डिफरेंट. आपने का कोई जादू नहीं करता, जादू करते हैं आप बड़े पर्दे पर सर, ये मैं बता दूं, यहाँ पे सब लोग मानेंगे. कहते हैं अगर एक डायरेक्टर राइटर बन जाए हो तो सोने पे सुहागा होता. आपको कैसे लगता है राइटिंग के बाद? लिखना जो है पहला स्टेज होता है फिल्म मेकिंग का. तो काफ़ी सालों से मैं दूसरों की स्क्रिप्ट अपने नज़र से देख रहा था. ये कहानी बहुत समय से मेरे अंदर थी और कुरेद रही थी नॉनस्टॉप. तो जब ये दोनों मिले उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस शुरू हुआ. और बहुत ही दिल से आई हुई फिल्म है ये, और बहुत कुछ कहती है, और उसको बहुत अच्छे से म्यूजिक से बांधा गया है. लेकिन बहुत जरूरी फिल्म थी मेरे लिए. एंड अमित जी, जो आपने गाना गाया इसी फिल्म का ही था ना? हाँ जी, हाँ जी. तो बड़ी अच्छी कंपोजिशन थी वो भी, और जो हमने सुना ये भी. थैंक यू. तो कुछ कंपोजिशन के बारे में बताइए आपने. एक्चुअली उस गाने के पीछे ऐसा है कि अनुराग सर हमको हमेशा कुछ एक नया टर्म देके जाते. देवडी में उन्होंने इमोशनल अत्याचार दिया था, फिर आई थिंक मनमुर्जिया में प्यार को प्यार कर दिया था. तो मुझे याद है कि मैं और शैली पाजी जो लिरिक राइटर है इस गाने के, हम लोग जैम कर रहे थे और हमने सर को बोला कि ऐसा कुछ इस फिल्म में भी दो. तो मुझे याद है दरवाजे निकलते निकलते उन्होंने दरवाजे पे ही बोल दिया, हाँ घनघोर कनेक्शन, एक उनको दिमाग में तभी शायद एक या स्ट्राइक हुआ. तो हाँ, फिर वहाँ उसको लेके हम चल पड़े. हेलो. एक्चुअली हाँ, दरवाजे से करेक्ट. हेलो, दिस राज फ्रॉम संसद वाणी. Congratulations to all the team, and I'll like to ask Alia, Alaya. Thank you. How the chemistry between you and with your co-star? Me and my dear co-star have known each other for the last 10 years actually. We knew each other socially but not very, very closely, but I've known him for a very long time. This was our first time in a work environment together. And we were bickering all the time. ये लड़ते ही रहते. Non-stop, but not in not in like a serious way, like in a very stupid way. In a very Gen Z way. No, not even in a Gen Z way. In a very like 5-year-old
kids arguing, like I'd be like, you're stupid. He'd be like, you're double stupid. I'll be like, you're triple stupid and even stupider on top of that. You know, like very stupid things. He brought out some weird side in me. And I think I brought out some weird side in him. So it's a very special chemistry that we share. It's unlike any other sort of friend or co-actor that I've ever had. And there's this different level of comfort that's been really lovely to have throughout the process, during shooting and now during promoting this film and now finally releasing this film. Anurag ji, mera sawal aapse hai. Haan ji. Ji. Agar hum aapke cinema ki baat kare, to wo usko aapne kabhi daire mein nahi bandha. अगर बात करें आप एक तरफ मन मर्दियाँ और देवडी बनाते हैं तो दूसरी तरफ गुलाल जैसी भी फिल्म बनाते हैं आप जो लिखने की अगर हम बात करें आप अगर मन मर्दियाँ लिखते हैं तो मन मर्दियाँ तो खैर उन्होंने लिखी थी लेकिन उसमें आपका पुट तो था ही तो आप दूसरी तरफ ब्लैक फ्राइडे भी लिखते हैं तो बाकी निर्देशक अगर हम देखें तो वो लोग एक दायरे में ही अपने आप को बांध कर रखना पसंद करते हैं या एक सुरक्षित दायरा बनाकर रखते हैं आपने हमेशा अपने ही दायरे तोड़े हैं तो ये चीज आपको कभी वो नहीं करती है इनसिक्योर नहीं करती है कि आपने अपने नहीं, को नहीं इनसिक्योरिटी से तो मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है मतलब आप यहाँ पे क्यों आए थे मैं हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ जब सब कुछ छोड़ के इतने सारे एजुकेशन के बाद हर चीज़ छोड़ के आप आ गए हो यहाँ पे तो फिल्म बनाने आए थे एक फिल्म बनाना चाहता था या एक फिल्म में फिल्मों में काम करना चाहता अब इतनी फिल्में बना चुका हूँ इतनी फिल्मों का हिस्सा रह चुका हूँ जितनी किसी की फिल्मोग्राफी नहीं है तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल होता हूँ कि मुझे फिल्म बनाने को मिलता है और अगर सुरक्षित दायरा जो बोलते हैं ना वो उसमें आदमी सुरक्षित होके सिक्योर होके सेफ होके रिपीटेटिव हो जाता है और वही आदमी आगे चल के बोरिंग हो जाता है बहुत इजी है मेरे लिए जाके गैंगस्टर फिल्म बनाना बहुत आसान है मैं अभी कल 3 अनाउंस कर दूंगा सारी दुनिया आ जाएगी पैसे दे देगी लेकिन नहीं करना मुझे और भी बहुत सारी कहानियां हैं बहुत सारी चीज़ें हैं खुद को भी एक्सप्लोर करना है फिर आप मर जाते हो फिर आप ऐसे हो जाते हैं कि अगर हाँ जब मेरी टांग वांग टूट जाए और मैं बिस्तर से हिल ना पाऊँ तो मैं वापस फार्मूला रिहैश करता रहूँगा फिर सर्वाइवल की बात हो जाएगी अभी बहुत है मेरे पास शारिक जी आपसे एक सवाल है आप जब आए जी में तो आपने बहुत उसको एक तरह से कहना चाहिए क्रांति ला दी थी क्योंकि मुझे आज भी वो बॉम्बे टाइम्स की कटिंग याद है कि एक साथ 7 शायद फिल्में थी जिनको नेशनल अवार्ड या उसकी वो हुई थी तो आपका जो स्क्रिप्ट है उस पर बहुत वो रहा है जोर रहा है और आपने वो एक परंपरा भी शुरू की कि दूसरे जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो भी इस पर ध्यान दें तो इस फिल्म में ऐसी क्या बात थी जो आपको स्क्रिप्ट के लेवल पे पसंद आई ये तो स्क्रिप्ट तो हमने पढ़ी नहीं थी ये हमने पिक्चर देखी क्योंकि वी गॉट इन राइट एट द एंड और ये हमारा बेसिकली इट इज़ आर फेथ इन अनुराग एंड एक जो एक एसोसिएशन जब चालू होता है द टाइम लाइन जो दो अलग अलग कहानियाँ जो इस फिल्म में चल रही हैं पैरेलली इट्स जस्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मैट ऑफ स्क्रीन प्ले द वे द फिल्म प्लेज आउट इज बेसिकली द म्यूजिक डायरेक्टर एंड म्यूजिक एंड द डायरेक्टर कॉम्बिनेशन विच रियली एंड द यंग स्टारकास्ट हमने जब देखी हम लोग को देखा कि ये अराउंड वैलेंटाइंस डे एक अच्छा विंडो मिल सकता है तो वी पुट आर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी you know into this and distribution strategy rather than too much into the script kyunki script to already ye picture bani hui thi jab tak hum log involved hue the but you're right I mean as a studio jaise maine pehle kaha ke hamara kaam hai ke vibhin directoron aur writeron aur actoron ke sath kaam kare aur unko ek bar kahani samajh le unko apna kaam karne de और कभी अच्छी बनती हैं कभी ठीक बनती हैं कभी एकदम ठीक नहीं बनती हैं वो एग्जीक्यूशन रिस्क ये बिजनेस में है ही है तो वी हैव टू एक्नॉलेज इट एंड दिस वन्स टर्न्ड आउट टू बी वंडरफुल सो लुक हेलो यह करण यहाँ पे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और कुछ ही समय पहले आपने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर अपलोड की थी शाहरुख सर के साथ एंड सर भी थे हाउ ही हैज इंस्पायर्ड यू इन योर रियल लाइफ एंड क्या कुछ आप अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहोगे यस आई थिंक
we've all grown up watching his films firstly, and the thing that he has done, jo unhone kiya, wo sabko malum hai, the way he's been. And actually mein jo unke bete hai, wo mere dost rahe hain aur humne unko bachpan se dekha hai. Unse seekhne ko bahut mila hai. Wo saans bhi lete to hum bahut seekhte hain. To yahi hai ki actually mein unhone hame chance bhi diya apni film mein kaam karne ke liye as an assistant director. To unhone bahut sikhaya hai. Rais mein assistant tha ji, to maine udhar bhi assist kiya. And he just keeps teaching us. He's full of knowledge, and even as a human being, he's just so inspiring. He's kind to anybody, and there's no such thing ki even when you're with him, he doesn't make you feel like ki main Shah Rukh Khan hu. Matlab, he's just a normal chill guy. So that's the kind of person you want to be. That's what ki mujhe aisa hi banna hai ki yaar ek acha insaan jo bas apna kaam karta rahe, passion hai kaam ke liye. That's one thing. हेलो शारिक जी, यहाँ पे मेरा मेरे शारिक जी आपसे जानना चाहूँगा, हाउ वाज योर एसोसिएशन विद अनुराग सर? लवली वी आर, इट्स एज आई सेड, इट्स द बिगनिंग ऑफ एन एसोसिएशन. वी हैव नोन ईच अदर फॉर मेनी इयर्स. 2006 या आई वाज वर्किंग इन मिड डे व्हेन ही वाज मेकिंग बॉम्बे ब्लैक फ्राइडे. फिर जब बॉम्बे वेलवेट की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, आई वॉज इन वायाकॉम एंड वी वर द प्रोड्यूसिंग, वी वर द स्टूडियो डेवलपमेंट यू नो इन टू दैट, एंड देन ऑफकोर्स यू नो आई मूव्ड आउट एंड द एंटायर मूवी मूव्ड आउट. सो आई हैव नोन हिम फॉर मेनी इयर्स एंड तो दोज वर, सो अभी जाकर के एक एसोसिएशन बन रहा है, एंड एज आई सेड दिस इज द फर्स्ट ऑफ मेनी, एंड यू विल बी हियरिंग अ लॉट मोर announcements during the course of this year, and we are hoping that the association between us personally and our companies, you know, continues to, you know. Is there any dream project? Every project of his is a dream for him, and it's a dream for us. So we are, yeah, no, so all of them are, you know, I see the different scales of films, right? And I think with Anurag there's a certain he's very passionate about the subjects he's making, and sometimes they are small, sometimes they are minuscule, sometimes they are big. So there's no dream project. Every project will have its own, will go on its own journey and become a dream project. That's how it will be. Hi sir. Halaya. Here. ये एक podcast है. Almost प्यार विद DJ मोहब्बत podcast का नाम है. और ये DJ मोहब्बत एक इंसान है जिसको लोग सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं, और बच्चे connect करते हैं. He talks to them about everything. और ये लड़की उसकी बहुत बड़ी fan है, जो उनके कॉन्सर्ट पे जाना चाहती है, और कहानी वहाँ से शुरू होती है, और वो कॉन्सर्ट का नाम ही ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत है. और जनरली उसके कॉन्सर्ट्स का वो हिंट्स पॉडकास्ट में डालता है, तो लोग पता करके अपने आप आते हैं. और एक ये वेव जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे लोग जाते हैं म्यूज़िक फेस्टिवल्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तो वैसा है. वो पॉडकास्ट का नाम है. Russell from PTI. Hi. Alaya, you have done two films till now. This would be your third. Yeah. And 2020 was Jawani Jaane Man, then recently Freddy, and now this. Your choices have seemingly been very conscious, and they have not been in the typical mold of somebody who comes new into the Hindi film industry. So how does it feel, you know, being away from this rat race? Because you earlier said also that you were doubting when before you got Jawani Jaane Man. Yeah. So how does it feel being away from this rat race? Are you completely secure in the space? I think as an actor, you're never really completely secure. I think also if I was feeling completely secure, I would lose half my hunger and motivation and drive. I don't think I can ever allow myself to feel completely secure. Do I feel content and happy and grateful? Yes, I definitely do. I'm really grateful that people have come to me with such amazing projects. Of course, Jawani Jaane Man and Almost Pyar was Jawani Jaane Man I tested for, and then I happened to get. And Anurag sirs, he saw my reel and really liked it. But all the other projects are wonderful projects that have come to me because the makers, directors, producers believed it was something that I could really do well in. And, you know, now when I look at it, now this is my third, and in this coming year, there are three more after this. And when I look at the lineup, I suddenly realized the other day, I was like, I have a film in every genre.
And that's quite an incredible feeling so early on in my career. So I feel very grateful and very excited. You know, I feel like the time that the pandemic took away from my career, I finally feel like I'm getting it back. And I can't wait for everyone to see and hopefully like all that I've done. Anurag ji, I would like to know from you also. We have all heard about, heard about your love for directors like Tarantino, Martin Scorsese. And there was a photo op also you got with Scorsese at Cannes, and you were like fanboying with him. Is there any Indian filmmaker who you feel is as inspiring as those two legends for you? And would you like to, you know, fanboy with one of those filmmakers? Yeah, wo hai nahin, Gurudat sahab. रहे नहीं वो तो मैं उनकी एक उनकी फिल्म प्यासा और दूसरी जो अब्रार साहब ने डायरेक्ट की थी साहिब बीवी और गुलाम वो मेरी दो फेवरेट फिल्म्स हैं जिनको मैं कई बार रिविजिट करता हूँ जी मैम हाय सर माय क्वेश्चन इज फ्रॉम टू योर राइट हाय माय क्वेश्चन इज फ्रॉम रंजन एंड कबीर सर जैसा कि शारिक सर ने बोला कि आप लोग ट्रेन की वो आखिरी बोगी थे जो आए ऑन बोर्ड तो व्हाट मेड यू बोथ उन्होंने तो बता दिया व्हाट मेड हिम कम ऑन बोर्ड व्हाट मेड यू बोथ कम ऑन बोर्ड फॉर दिस फिल्म वन ऑफ कोर्स इट्स अनुराग एंड लाइक शारिक आल्सो मेंशन इन एनीथिंग टू डू विच अनुराग इज ऑलवेज एक्साइटिंग टू इफ यू आस्क मी रियली लाइक पर्सनल I think the music is great and the story, if you ask me, it's for the first time we are attempting this kind of a story for the segment that we are talking about. It could be Gen Z, I don't know the exact definition, could be a millennial, but that's the main thing. And also we've tried to do what happened 15 years back when Devdi had come. There was a new sound, there were new actors and there was this new music. We are hoping that we are also on the same track. Sir, kya hota hai ki jab koi ek nayi cheez pehli baar karte ho, और जिसका कोई टेस्ट मार्केट नहीं होता है तो हम लोग खुद ही बाउंस कर करके यंग लोगों के साथ और फिर धीरे 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 सब लोग मैं बोला देखिए कारवां बनता जाता है फिर धीरे धीरे सब लोग आते हैं और देखते हैं रिएक्शन देखते हैं ये किस ये मैंने अक्सर हमारी हर फिल्म के साथ ऐसा ही होता है वो अपने आप में जब पहली बार होती है तो सब लोग वेट करते हैं देखने के लिए कैसे आगे जाएगा कौन रिएक्ट करेगा कौन रिस्पॉन्ड करेगा बाकी तो कहानी इमोशनली आपको बांध के रखनी चाहिए बस हाय अनुराग रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज मेरे दो छोटे सवाल एक फिल्म से रिलेटेड और एक फिल्म के अलावा अनुराग आप हमेशा से बहुत इंटेंस फिल्में बनाते रहे हैं चाहे पांच की बात हो ब्लैक फ्राइडे की बात हो गुलाल की बात हो या अगली या गैंग ऑफ वासेपुर सारी मेरी फेवरेट फिल्म है जब आप लव को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं पर्दे पर जैसे कि देवडी में आपने किया था मनमर्जिया में किया था ऑलमोस्ट प्यार डीजे मोहब्बत में वो क्या चीज़ है कि आपको आप बार बार पर्दे पर प्यार को एक अलग ढंग से पेश करने की कोशिश करते हैं देवडी में हमने एक अलग अंदाज देखा मनमर्जिया में आपने बहुत इसमें भी अलग ही एकदम नई चीज़ देखी मतलब मैं जनरली रिलेशनशिप एक्सप्लोर करता हूँ मैं लोग जनरली हमारे यहाँ एक जॉनरा है लव स्टोरी का तो जिसको मैं फॉलो नहीं करता मतलब एक लड़का लड़की मिले प्यार हो गया कभी विलेन होता है कभी नहीं होता है वो कहानियाँ मुझे कहनी नहीं है मैं रिलेशनशिप्स और लोगों को एक्सप्लोर करता हूँ चाहे वो देवडी के थ्रू हो चाहे मनमर्जियाँ के थ्रू हो चाहे ऑलमोस्ट प्यार हो और ये एक अलग जनरेशन है जिसको मैं बिलोंग नहीं करता हूँ ये जनरेशन को मैं समझने की कोशिश करता हूँ तो ये एकदम नई दुनिया है मेरे लिए भी नई दुनिया थी इसमें भी मैं कूद गया था समुद्र इट्स लाइक समुद्र में आप कूद जाते हो तो फिर आप डाइविंग सीख जाते हो तो ये था कि हाँ कहानी कहनी है इनकी कहनी है और मेरी बेटी का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा इस फिल्म में थ्रू आउट और वो है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म वहाँ से आई है ये फिल्म देखने के लिए कि हम जो हैं हम हमारी जो जनरेशन है इस फिल्म की इनविजिबल विलेन है इस फिल्म की इनविजिबल विलेन हमारी जनरेशन है जो हमें लगता है कि हमें सब पता है और हम अपने बच्चों की ज़िंदगी कंट्रोल करना चाहते हैं और हमारी कंडीशनिंग हमारी पेट्रियार्की हमारा जो है जिससे हम खुद को नहीं निकाल पा रहे वो हमारे बच्चों के लिए विलेन है वहाँ बच्चों की बाधा है और वो जो है वो कैसे दुनिया को देखते हैं उनका प्यार कैसे होता है उनके रिश्ते कैसे होते हैं ये वो फिल्म है और आप इसमें ये फिल्म उनके बारे में तो है ही है लेकिन ये फिल्म बहुत ज़्यादा आई थिंक हमारे जनरेशन के लिए है हमारे जनरेशन के माँ बाप के लिए
अनुराग एक छोटा सा और सवाल, आखिरी दो सवाल लेंगे, एक छोटा सा और सवाल अनुराग, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा से सेंसरशिप से लड़ते रहे हैं और बॉयकॉट ब्रिगेड जो है दोनों से लड़ते रहे हैं और आप हमेशा खुलकर बात करते रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी ये बात कही है कि कोई भी नेता उठ के किसी भी फिल्म के बारे में कुछ भी बोलने लगता है और सारे दिन टीवी पे वही चलता है, तो लोगों को बचना चाहिए फालतू में कमेंट करने से। आपको ऐसा लगता है कि इससे जो बॉयकॉट बॉलीवुड ब्रिगेड जो है उसका असर कम होगा, लोग उनके मैसेज को सीरियसली लेंगे, क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा कमेंट किसी इतने बड़े नेता की तरफ से नहीं आया था, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के नेता इस तरह ये वो अगर 4 साल पहले कह देते तो वाकई फर्क पड़ता। अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने ही लोगों को काबू कर पाता है, मतलब चीज़ें हाथ से बाहर निकली हुई हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कोई किसी की सुनेगा। बहुत जब आप प्रेजुडिस को एम्पावर करते हो साइलेंस से, जब आप हेट्रेड को एम्पावर करते हो साइलेंस से, और वो इतनी ज़्यादा एम्पावर हो चुकी है कि वो अपने आप में ही एक ताकतवर बन चुकी है, वो मॉब बाहर निकल चुका है। Just take one last question. Hello. अमित और शारिक आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? अमित कमिंग। हेलो अनुराग जी, जी पूछे सर। No, I think दे राय दुरुस्त है। I think we are happy that a statement has been made, and obviously it was actually Anna Sunil Shetty who actually also brought it up in the meeting with Shri Yogi ji in Bombay, I think a couple of weeks ago. तो आई एम हैप्पी इट्स हैपेंड बिकॉज इट्स समथिंग विच इज, क्योंकि किसी को समझ भी नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट यू नो अगर इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेड इट, आई होप दैट इट एटलीस्ट स्लोज डाउन। अनुराग इज लिटिल सिनिकल अबाउट दिस एंड यू नो मे बी, सो आई जस्ट होप ही गेट्स प्रूवन रॉन्ग एंड यू नो इट जस्ट बिकम्स, वी ऑल होप दैट एंड वी जस्ट होप दैट इट डज you know stop. I mean films are meant to entertain na, hum log jo banate hain sab aap you know for the manoranjan of the audience, kabhi achhi banti hain kabhi as I said theek se nahi banti hain koi, but so I think it's good, I think it's just it's laudable and as an industry we are happy he's done that. Hi Anurag sahab sir aajo, hi keh rahe hain. ना आप फिल्म के बारे में बात करिए, हमें को दूर रखिए उससे। हाय मयूरिया, सर वेलकम टू यू, वेलकम टू यू फॉर द लास्ट क्वेश्चन, वेलकम टू यू। थैंक यू नितिन। माय क्वेश्चन इज फॉर अलाया, यू नो आई लिसन टू द एंटायर म्यूजिक यस्टरडे, आई मीन आई रियली द म्यूजिक व्हाइल देयर इज कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, बट द वर्ड्स आर लाइक द लिरिक्स आर लाइक आई थिंक जेन जी वुड बी द एप्रोप्रिएट वर्ड, वन ऑफ द सॉन्ग्स ऑब्वियसली व्हिच रियली टच्ड मी इज मेंटेनेंस। Mr. Kashyap mentioned about an earlier generation. I also come from the 80s. And during my time, obviously, this word, like if I liked A, B or C, you know, there were always people around me that, arre bhai chhod de, wo bahut high maintenance hai. So I wanted to know from your personal end, you know, you belong to this new generation. In today's time, if somebody of your, you know, your the youth, you know, comes and is interested in you, does he need to also ensure that certain maintenance ka bill bhi bharna padega? Dard nikla hai sir ye to. Basically you're asking me if I'm high maintenance or not. I'm actually here. I'm asking for the current generation. Obviously I come from Mr. Kashyap's generation probably. See, I feel like any generation you're in, there will be people that are a little high maintenance and a little people that are not high maintenance. I feel like that's more a personality thing than a generation thing. Is my opinion, anyone that has another opinion. So, and for me personally, sometimes I can be very high maintenance, sometimes I'm not. But my personality changes every week, so I don't even know what I am. But generally, yeah, I don't think it's a I guess the maintenance cost has increased with the economy increasing. Maintenance cost must have increased for sure. Mr. Kashyap, obviously Hello. You mentioned about it briefly, you know, one of my senior colleagues asked you. And when I look at your films like Manmarziya or, you know, now this film, like I always ask myself, is Anurag Kashyap flirting with romance? You know. मतलब romance तो is flirting with romance genre in cinema. नहीं, मैं romance तो वासेपुर में भी था और romance तो मुक्काबाज में भी था. The primary story is obviously revenge there. You know. Primary story is yes, relationships. मतलब primary story is the generation and the relationships. It's not really everything is not really boy.
falls in love with girl, girl falls in love with boy, and that becomes a romance genre. So I don't think so. It's a film about kids. It's a film about us. It's a film about things that we see and confront. And it is a fun film. It's a fun film because the characters are fun, because the youth is fun. Because and they have their own things to deal with. Aapne maintenance ki baat ki, toh this generation is about self-maintenance. It's not about high maintenance. One more thing, it's also is a Anurag UA film. Anurag is a fun film, yeah. Which is the new thing. Sir, Anurag sir. Ek question. Aye. Ek last. Sir, Anurag ji, sir, yeah. Sir, aap se janna chahenge ki music matlab ki jaise 80s की टाइम की बात की जाए या 90s की बात की जाए तो म्यूज़िक लव स्टोरी में बहुत इम्पोर्टेंट रहता था सर, और मतलब कि काफ़ी अच्छे म्यूज़िक रहते थे, तो आपके हिसाब से मतलब कि आप आजकल के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि मतलब इतने अच्छे म्यूज़िक्स हो नहीं रहे हैं, तो मतलब कि क्या लग रहा है आपको कि मतलब कि कहाँ कमी आ रही है? आई थिंक वो म्यूज़िक मेरे लिए हमेशा से फिल्म में इम्पोर्टेंट रहा है, और मैं म्यूज़िक के बिना फिल्म नहीं बना सकता हूँ. कभी कुछ फिल्में होती हैं जिसमें म्यूज़िक की ज़रूरत होती है, कुछ फिल्में होती हैं जिसमें म्यूज़िक का उतना बड़ा स्थान नहीं होता है. और मुझे नहीं मालूम कि हम लोग इस हिसाब से नहीं बनाते हैं, म्यूज़िक नहीं करते हैं कि ये चल रहा है तो उसका एक वर्जन बना दिया या वो चल रहा है तो उसके हिसाब से कर लें. हम लोग हमेशा कुछ नया करने की ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं क्या चलेगा कि नहीं चलेगा. सो मार्केट में क्या गाना चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जिधर भी देखो लोग म्यूज़िक सुन रहे होते हैं तो कुछ तो चल ही रहा है ना भाई. जहाँ देखो लोग म्यूज़िक सुनते हैं, जहाँ देखो लोग कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं, अमित आजकल कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, जहाँ जो शो देखो उसमें गाने बज रहे होते हैं. तो म्यूज़िक का चलना क्या होता है और नहीं चलना क्या होता है और कैसे तय होता है ये मुझे नहीं पता. कोई फार्मूला है? अनुराग साहब, कोई फार्मूला है? अनुराग साहब, सिराज सैयद फ्रॉम फिल्म फेस्टिवल्स डॉट कॉम. सवाल आपसे ये है कि जेनरेशन गैप तो हमेशा रहा है, हमेशा मतलब आपके ज़माने में आपके माँ बाप के साथ रहा होगा, उनके ज़माने में उनके माँ बाप के साथ रहा होगा. जैसे एक लाइन आपकी थी कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, करेक्ट. इसी तरह माँ बाप बेटा बेटी के दोस्त हो सकते हैं या नहीं, यही आपकी इस फिल्म का मौजू है और नहीं है तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी देखिए जनरेशन कैसे, मेरे और मेरे माँ बाप के बीच में एक जनरेशन का फ़र्क था, लेकिन मेरी बेटी और मेरे बीच में कई जनरेशन का फ़र्क है. बिकॉज ये इंटरनेट आने के बाद जनरेशन जो है फ़ोन के 2G 3G 4G से 5G चले गई, तो उतनी जनरेशन भी जाते आगे. हर आईफोन के साथ एक जनरेशन बदल रही है, हर ऐप के साथ जनरेशन बदल रही है. जब हम लोग प्रमोशन करने निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे ये सब नई नई चीज़ें लड़के लोग कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम क्या हमारे बच्चे कहाँ क्या कंज्यूम कर रहे हैं और कहाँ देख रहे हैं चीज़ों को. वो एक बहुत ही अलग जनरेशन है. और जब ये सब सवाल मन में उठते हैं तो अब मैं जब पूछने गया तो मेरे को बहुत प्यार से एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट समझाया कि देखिए भाई, ये दुनिया आपकी नहीं है, ये दुनिया उनकी है. आप इस दुनिया में माइग्रेंट हो, वो नेटिव्स हैं, वो नेटिव्स हैं. तो उनको ये मत सिखाओ कि उनको कैसे रहना चाहिए, उनसे सीखो. सो ये बहुत बड़ी सीख मिली थी मुझे, और आई थिंक उसी हिसाब से भी हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि हम हमारी जड़ें ऐसी हैं कि हम लोग अपने आप को एक जगह बैठा देते हैं, हम बदलते नहीं एक पॉइंट के बाद. तो बहुत ज़रूरी है खुद को देखना और अपनी नज़र को चेंज करना. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू. एंड या इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो अप.